जो भी अनुभव आ रहे हैं जा रहे हैं जो अनुभव होने चाहिए वो ही हो रहे हैं नहीं कुछ समझ आ रहा तो भी कोई बात नहीं पास्ट की मेमोरी के आधार पर कोई पुराने अनुभव याद आ रहे हैं वो भी एक मेमोरी है इमेज है संकल्प है टेम्प्रेरी है मैं सिर्फ एक प्रेजेंस जो कि अवैर हूं अनुभव में नहीं बटी हुई हूं अनुभव मुझे बांट नहीं सकते निरंतर शांत बैकग्राउंड सर्व का मोमेंट बाय मोमेंट जैसे भी कर्मेंद्रिया इमेजेस संका सामने आते हैं आने दें उनको चेंज करने का कोई एजेंडा नहीं है मेरा स्वाभाविक नेचर क्या है मन कुछ जवाब देगा फिर एक फीलिंग क्रिएट करेगा राइट आंसर या रॉन्ग आंसर मैं शांत हूं राइट right आंसर चुपके से फीलिंग क्रिएट करेगा रुक नहीं जाना मां चेंज नहीं करना किसी भी आंसर पे रेस्ट नहीं करना पीछे पीछे आते रहना जब तक फुल कन्विक्शन सर्टनिटी से पता चला और पीछे जा ही नहीं सकते मैनिपुलेट नहीं करना है अपने अनुभव को कंटेंप्लेट करना है सिर्फ चिंतन हेरा फेरी नहीं कोई स्पेशल अनुभव क्रिएट नहीं करना है मन को जब कहते हैं याद करूं कल क्या खाया था तुम तो मेमोरी की तरफ जाता है फिर कहते हैं कहां बैठे हो कमरे में कुर्सी पर एक लोकेशन पे अपना ध्यान जाता है अब मन को पूछते हैं कौन है जो सभी अनुभवों को जानने वाला है तो उसका टेंशन कहाँ जाता है मेमोरी में नहीं जा सकता लोकेशन में नहीं जा सकता बाहर नहीं जा सकता अननोन डायरेक्शन डिस्टेंस ही नहीं है Thought का भी डिस्टेंस नहीं मन को आत्मा तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस क्या रिटर्न जर्नी है

पर थॉटलेसनेस नेचर है साइलेंस नेचर है शब्द नहीं है इस रिटर्न जर्नी में पता चलता है मैं हमेशा ही वहीं थी जहां मैं ढूंढ रही थी मैं आत्मा वहीं खड़ी थी हमेशा और आज की मुरली है संडे की रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो तो रिटर्न जर्नी कितनी दूर है तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीं ब्रकोटी के तख्त नशीं विश्व के राज्य के तख्त नशीं स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकिलधे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है ब्रकुटी का तख्त तो सर आत्माओं को है लेकिन परमात्मा दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त होता है किसी को प्राप्त नहीं है यह तख्त दिल तख्त ही विश्व का तक्त दिलाता है वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता साथ ही साथ यह भी रूहानी नशा कि हम परमात्मा दिल तख्त नशीन भी हैं मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है दिल रुक गई तो जीवन समाप्त तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती तो सबसे पहले बाबा हमें ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो तो स्वराज्य अधिकारी कैसे पता चलता है मैं स्वराज्य अधिकारी हूं कि नहीं हूं मन बुद्धि संस्कार पे राजा वो नहीं बोलना कुछ और एक्सपीरियंस ओके okay? <laughs> तो मैं अधिकारी वो कैसे पता चलेगा हुँ? कैसे पता चलेगा हम्म मन बुद्धि संस्कार का राजा नहीं उसके अलावा हाँ आई डोंट आइडेंटिफाई विद एनी चेंजिंग एक्सपीरियंसिस हाँ हम्मी दृष्टा साक्षी सदा खुश रहेंगे सदा खुश रहेंगे एवरीथिंग इज़ इन मी मी इनसाइड Pure allowance. जब mm -hmm. मैं आत्मा की में हूं अपने स्वधर्म में अपने सत्य में mm -hmm. मैं किसी हद तक हो पा रही mm -hmm. अपने सच में अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन अच्छा ये कैसे पता चलेगा यू विल नॉट एग्जिस्ट फॉर यू तब आपको पता चलेगा कि आप वाकई में स्वराज्य अधिकारी समझकर जी रहे हो जैसे कि आपके लिए समय एग्जिस्ट ही नहीं करता राइट ओनली देन आप कंटिन्यू नहीं हो रहे हो एज अ पर्सन कर्मेंद्रियों के अनुभव के आधार पर आप नहीं चल रहे हो मेमोरी के आधार पर आप नहीं चल रहे हो यू रियली लिविंग एज अ बींग जिसके सामने मोमेंट बाय मोमेंट माइंड बॉडी एंड वर्ल्ड तीनों अनुभव जो कि लेबल्स हैं लिटरली थिंकिंग सेंसेशंस और परसेप्शंस ये तीनों अनुभव कॉन्स्टेंटली इमर्ज हो रहे हैं और मर्ज हो रहे हैं सेंस ऑफ डुअलिटी नहीं है ना अभी सेंस ऑफ डुअलिटी किससे आती है स्वराज्य अधिकारी मतलब बिल्कुल एक बाबा बोलते ना एक ही राजा एक ही राज्य एक ही भाषा मतलब अद्वैत हाँ हमारे अनुभव दो पार्ट्स में नहीं बटे हुए हैं दो पार्ट्स में बटे हुए ना आज हमारा अनुभव कौन से दो पार्ट्स में बटा हुआ है इन साइड वर्ल्ड कॉल्ड माइंड एंड आउटसाइड वर्ल्ड कॉल्ड मैटर दो पार्ट्स में बटा हुआ है ना हमारा एक्सपीरियंस आज अच्छा अब एक ही राजा है और एक ही राज्य है तो कैसे होगा एक ही राजा एक ही राज, तभी तो स्वराज्य नहीं तो कहा है कहा है कैसे होगा है <laughs> ना तब होगा जब ये पता चलेगा कि जो अभी बताया कि वी लिव एज डज नॉट एग्जिस्ट For me. क्योंकि जहां समय है वहां संकल्प है जहां संकल्प है वहां डिविजन है प्रैक्टिकली hmm? कैसे वो भी देखते हैं हम अभी हाँ फिर तो क्योंकि बाबा ने आगे बोला है दिल दिल की बात है ये हम्म hmm? तो अब जो बाबा के साथ बाबा के दिल तख्त नशीन है ना वो आत्मा बाबा जब बोल रहे हैं मेरे साथ चलते फिरते उठते बैठते सब करो तो अ बींग जिसकी कोई कहानी नहीं है एज अ बींग जो कि आप पॉजेस भी लेते ना किसी ने जैसे कहा हम दिन में कई बार पॉजेस लेते हैं ये अच्छी प्रैक्टिकल टिप है ना बिल्कुल डिपेंडिंग अंडरस्टैंडिंग क्या उसके पीछे एक होता है मैं पॉज ले रही हूँ हर थोड़ी देर में रुक रुक के तो दिन में मैंने दस बार ट्रैफिक कंट्रोल का पॉज लिया एंड हर बार मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैं स्टोरी लेस हूँ मैं टाइम से परे हूँ मैं ये हूं मैं वो राइट नाउ सी दीज पॉजेज ठीक है वो भी किया बट नाउ अब इन पॉजेस को ही देखो ये विंडोज हैं पॉजेस क्या है विंडोज विंडोज किसके ऊपर एवर प्रेजेंट कंटिन्यूइंग पीस पीसफुल बैकग्राउंड जो मैं हूं उसके ऊपर ये अलग अलग विंडोज है पॉजेस समझ में आया ये थोड़ा हाँ तो इट्स नॉट लाइक आई वाज पॉज में मैं एग्जिस्ट कर रही थी मैं हमेशा ही हूं पर पॉजेज में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे मन को भी एक्सपीरियंस हो रहा था मेरा स पॉजिस का भी एक तरीका होता है लेने का हम्म ऐसे नहीं मैंने पॉज लिया मैं उस वक्त तो भूल गई थी मैंने पॉज लिया और फिर मुझे याद आया तो मैंने याद दिलाया अपने आपको फिर मैं वापस एक्टिविटी में गई फिर मैंने वापस पॉज लिया हर दस मिनट में बहुत अच्छा है ले रहे हैं बट पीछे अंडरस्टैंड यू डिड नॉट डिसअपियर दीज आर जस्ट अलग अलग विंडोज हैं पचास विंडोज खोल दी थी आपने अपने ही ऊपर क्लियर आप तो बैकग्राउंड में ही ना? उसमें मन ने हल्का सा लिया, थोड़ा सा आपको देखा, फिर फिर वापस काम में लग गया, आप तो हमेशा पीछे ही हो फिर मन ने वापस थोड़ा सा विंडो खोला <laughs> आपको देखा थोड़ी सी उसको जैसे आपको देखता है आपकी शांति को सख करता है फिर वापस उसको कार्य में लगाता है, है ना आप एवर प्रेजेंट Then pauses are beautiful, right? ये बहुत clear understanding चाहिए इसकी okay? What किसी का question है इसके ऊपर मेरा ही हाथ रेहिस्ट में नीचे करती हूँ मैंने सोचा किसका हाथ है, हाँ जी <laughs> समझ में आया ना ये point सबको अच्छा एग्जाम्पल सोच रही जैसे आप पीछे हमेशा जनरली मेरी डोर देखते हैं आज वो डोर नहीं है पीछे जो डोर देखते हैं ना आप हमेशा जिसमें वो बहुत सारी विंडोज़ ऐसे <laughs> उसके पीछे प्लेन स्पेस है वो अलग अलग विंडोज बार बार खोल खोल के उस स्पेस को देख सकती है राइट पॉजिज आर दो विंडोज ऑन योर ट्रूथ And आपकी एवर प्रेजेंट पीस का वो ब्रीदर लेता है मन और फिर उसको थॉट वर्ड एक्शन में यूज करके थोड़ी देर यूज करता है फिर वापस आपके अंदर आकर रेस्ट करता है सो लिटरली सी पॉजेज इज दैट इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल वे टू टेक पॉजेज फॉर योर माइंड ठीक है आज की बात ये चेंज ओके ऑल राइट तो ये है फिर बाबा बोले कि देन सेंस ऑफ कंटिन्यूटी विल नॉट कम फ्रॉम दोज मोमेंट्स जब आपने अपने आप को अनुभव किया था वो, वो, वो पॉज के अंदर सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आएगी जो पीछे बैठा था उन सब पॉजेस के पीछे वहां से सेंस ऑफ कंटिन्यूटी आएगी ठीक है तो बाबा हमें कह रहे हैं कि तो फिर हम दिल तख्त नशीन ने हम बाबा के साथ बैठे हैं राइट right? और ये हमने जो देखा कि दो भागों में बटा हुआ है हमारा ये थोड़ा सा डिटेल में देखना जरूरी है क्योंकि हमारा जो अनुभव है दो भागों में बटा हुआ है इनसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड इनसाइड वर्ल्ड इज द ड्रीम कैरेक्टर आउटसाइड वर्ल्ड इज द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ मैटर आत्मा जो है वो है अद्वैत राइट अद्वैत आत्मा को अगर कुछ अनुभव करना है डुअलिटी का तो उसको इन दो भागों में बटना पड़ेगा आत्मा को ही बटना पड़ता है उसी के ही बेहद के मन को बांटना पड़ता है अपने आप को दो भागों में है ना जिसमें एक भाग को हम बोलते हैं इन साइड वर्ल्ड और जिसको बोलते हैं माइंड और दूसरे भाग को हम बोलते हैं आउटसाइड वर्ड मैटर है ना अब ये दो भागों को अलग अलग एक्सपीरियंस करना होता नहीं तो अगर वो भी सब एक जैसे होंगे तो डुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं होगा है ना तो डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए एप्सल्यूट आत्मा को माइंड को वो बोलती है मेरे से बना हुआ है माइंड मुझसे बना हुआ है और जो मैटर का जो वर्ल्ड है वो मुझसे कुछ और अलग बना हुआ है वो होना पड़ता है जरूर क्योंकि माइंड होता है सूक्ष्म मैटर होता है स्थूल सॉलिड जब तक वो अलग नहीं होगा तब तक डुअलिटी का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता राइट right? ये दोनों ही बिलीव्स हैं माइंड एंड मैटर दोनों बिलीफ हैं, कल्पनाएं हैं एक सॉलिड कल्पना है एक सटल सूक्ष्म कल्पना है ये दोनों कल्पनाएं जब होती हैं तब एब्सोल्यूट आत्मा डुअलिटी के मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस कर सकती है इसलिए माइंड और मैटर ये दो एस्पेक्ट्स हैं दो पार्ट्स हैं आत्मा के अनुभव के अपने अलावा जो भी अनुभव कर रही है इन दो पार्ट्स में करती है माइंड एंड मैटर इससे डुअलिटी क्रिएट होती है और इससे डुअलिटी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है माइंड ऑब्जेक्ट होता है मैटर उससे फिर एक्सपीरियंस करती है वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी अपने ही अंदर खुद को ही बांटा है खुद ही नहीं <laughs> ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है हा? क्या पावर्स है आत्मा की भगवान में भी वो पावर नहीं है हम बांटते हैं है, है ना? इसलिए हाँ जी दीदी इसको थोड़ा एग्जाम्पल से बताइए ना क्योंकि देखो अभी हम जैसे मन आत्मा मन के द्वारा हर चीज अनुभव कर रही तो अब क्या हो रहा है धीरे धीरे मन पिघलने लगा है ऐसा है मैं हिंदी शब्द दे रहे उसको। क्योंकि अब मैटर तो मैटर फील ही नहीं हो रहा है ना है ना तो फिर ये माइंड मैटर फिर अब अलग ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि मन के संकल्प ही मैटर को मैटर बताते थे है ना अभी संकल्पों से पार जब आत्मा आ रही है तो मैटर मैटर लगता नहीं था और फिर अभी आप कह रहे हो ना कि माइंड और मैटर भी अलग क्योंकि माइंड के द्वारा ही मैटर को आत्मा ने फील किया माइंड और हाँ। मैटर हाँ हैं दोनों मान्यताएं जिसके आधार पर आत्मा डुअलिटी को एक्सपीरियंस करती है राइट आज हमने बहुत समझा है फिर भी कभी भी देखेंगे आप एक्सपीरियंस में अभी तक भी हमें यही लगता है कि मैं सॉलिड बॉडी हूँ कभी कभी बिल्कुल लगता है ना तो ये जितना जितना हम समझेंगे कि ये ये भी एक्सपीरियंस अपनी जगह जरूरी था डुअलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बिलीफ था जो जरूरी था पर अब मुझे सिर्फ नॉलेज से नहीं पता है अब मुझे एक्सपीरियंशली पता है कि नॉन कंसेपचुअली मैं बॉडी को कैसे एक्सपीरियंस कि ये सिर्फ एक सेंसेशनस हैं तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अद्वैत आत्मा को अगर द्वैत कुछ भी अनुभव करना है तो ये दो बिलीफ्स में बटना होगा ड्रीमर को अगर ड्रीम एक्सपीरियंस करना है ड्रीम वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना है तो उसको ड्रीम कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी बिना ड्रीम कैरेक्टर के ड्रीम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते राइट right? ड्रीम कैरेक्टर बना हुआ है सब्जेक्ट माइंड से और ड्रीम वर्ल्ड जो है ड्रीमर के ही अंदर जो बिलीफ है वो मान्यता है मैटर की है ना मान्यता है मैटर इज नॉट द वे इट इज सीमिंग मान्यता मान्यता है ना तो ये दो मान्यताओं के आधार पर आत्मा सारे अनुभव करती है अभी कितना दूर बिलीफ्स भी तो मन ही क्रिएट कर रहा है ना मतलब मन को ही लग रहा है ना ये बिलीफ है ये मान्यता है एक्चुअली है ना मतलब तो इस बिलीफ क्रिएट है ना ये इसी से क्रिएट हुई है ना डुअलिटी एक हाँ, हाँ. उसी से क्रिएट हुई है राइट तो अब हमें बाबा बोल रहे हैं कि अब अपने अद्वैत धर्म को समझो जो की स्वराज्य अधिकारी हम्म अब अपने उस धर्म को समझो जो द्वैतता से परे है तो जब मैं द्वैतता से परे अपने सत्य को जानती हूँ तो अब आप मुझे बताएं जो आपकी सेंसेशंस हैं और मेरी जो आवाज है वो एक ही जगह है या मेरी आवाज थोड़ी दूर है और आपकी सेंसेशन ज्यादा आपके पास है नहीं एक ही जगह है एक ही जगह अनुभव हो रही है ना मेरी सेंस आपकी मेरी आवाज दूर थोड़ी सी पांच मीटर दूर है कंप्यूटर पे <laughs> शायद और आपकी सेंसेशन देखी दोनों एक ही जगह अनुभव हो रही है, पक्का हाँ लेकिन अगर जैसे फोर माइंड से देख रही हूँ तो रिनी दीदी से आवाज आ रही है मुझे अपनी सेंसेशन फील हो रही लेकिन अगर मैं ट्रुथ में हूँ और मैं ये जैसे संकल्प से हटकर देखे तो मुझे तो एक ही लग रहा है ना दीदी अगर संकल्प से हटकर और कर्मेंद्रियों से हटकर हाँ कर्मेंद्रियों का अनुभव भी आवाज भी तब आवाज लग रही है जब ये कर्मेंद्रिय ये हियरिंग का अनुभव कर रही तो एक्चुअली महसूस तो मैं आत्मा ही अपने अंदर से हियरिंग का अनुभव मतलब मैं आत्मा ही हूं ना वो भी हाँ मैं आत्मा हियरिंग का अनुभव मेरे अंदर हो रहा है और yes. सेंसेशन का भी अनुभव एक ही जगह हो रहा है दो जगह नहीं है एक ही जगह हो रहा है तब आप धीरे धीरे अद्वैत धर्म की तरफ आ रहे हो रिलीजन ऑफ साइंस इज मैटर आज बाबा ने साइंस और साइलेंस के ऊपर बहुत बोला था ना रिलीजन ऑफ साइंस इज मैटर रिलीजन ऑफ साइलेंस इज द सो हाँ जितना दोनों दोनों मर्ज होते जाएंगे पता चलेगा देर इज ओनली सोल कुछ है hmm. ही नहीं है ना तो इसलिए दोनों तरफ समझना जरूरी है इसलिए क्योंकि हमें दोनों यूज भी करने हैं इसलिए दोनों को समझना जरूरी कि अनुभव दो पागों में बटा हुआ है पर मैं उन दोनों से परे अब मैं उन दोनों से परे हूं तो वो दोनों भाग कहाँ पर अपीयर हो रहे हैं मेरे ही अंदर अपीयर हो रहे हैं है ना? ना अब जब दोनों ही मेरे अंदर अपियर हो रहे हैं भाग माइंड और मैटर जो कि एक बिलीफ है है ना तो फिर सब कुछ की... सब कुछ मुझसे ही तो बना हुआ है ना तो धीरे धीरे वो आने ना हमारा ये देह का सॉलिड वो टूटता जाता है और आज की मुरली में बाबा ने इस पे जोर दिया है तो अभी हम पढ़ेंगे ना देखना उसको तो बाबा ने कहा है कि बच्चे कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो हम्म देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं सदा तख्त पर गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं कभी सुख के झूले में झूलो कभी खुशी के झूले में झूलो कभी आनंदमय झूले में झूलो तो आज बाप दादा अभी आपको पता चलेगा बाबा ने कैसे बताया कि देहभान भी मिट्टी का सबसे गहरा रूप है मतलब इट इज़ अ इट इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग आई एम बॉडी उसको मिट्टी बोला है बाबा ने बाबा ने आज बहुत क्लियर करके बोला है हाँ तो अभी हम वो पढ़ेंगे वो लाइंस, तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं झूलते रहो झूलते हो मिट्टी में तो नहीं जाते कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की क्योंकि त्रेसठ जन्म मिट्टी में ही पांव रखते हैं मिट्टी से ही खेलते हैं तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना कभी कभी मिट्टी में पांव जाता है कि नहीं जाता है कभी कभी चला जाता है देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है तो मिट्टी मैटर नहीं है देह का भान मिट्टी का मिट्टी में पांव रखना है ये मतलब क्लियर हुआ बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है और फिर ये भी बोला है देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है क्लियर <laughs> hmm? Clear? बाबा क्लियरली बोल रहे हैं आज देह अभिमान गहरी मिट्टी में पांव है

प्लीज एक्सप्लेन कीजिए देह भान और देह अभिमान में डिफरेंस अच्छा च्छा. एक होता है देह भान आई एम द बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम हमने पहले भी बोला था ये एक बार एक चीज थोड़ा दो चार दिन पहले की क्लास में आई एम द बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज आई नो बॉडी इज मेड अप ऑफ मी आई एम नॉट मेड अप ऑफ द बॉडी उसमें कहने का मीनिंग क्या है डिफरेंस क्या है सबसे पहले जब हम पहले पहले आते हैं तब भी, भी हमारी भावना होती आई एम द बॉडी मैटर की बनी हुई है मैं भी मैटर की ही हूं कहीं आत्मा बैठी होगी इसमें मैं मैटर की हूं और जो मैटर को हो रहा है वो मुझे हो रहा है आई एम द बॉडी इनिशियल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पहले पहले जब ज्ञान में आने से पहले वाले हाँ मतलब सॉलिड मैटर की बनी हुई हूं काली पड़ रहा है शरीर कैंसर हुआ तो मैं काली पड़ रही हूँ वो मतलब वो वाली भावना थी जो मैटर की हालत वो मेरी हालत राइट आई एम द बॉडी फिर हमको बाबा ने सिखा आई एम अवेयर ऑफ द बॉडी हम्म फिर हमने सेकेंड स्टेप में सीखा आई एम अवेयर ऑफ द बॉडी मैं विटनेस कर रही हूं बॉडी से थोड़ी साक्षी हूं थोड़ा दूर हूं उसको प्लास्टिक का उसको मैटर का ही अभी तक समझ रही हूं पर मैं उससे इंडिपेंडेंट और अलग हूं राइट right? वो सेकेंड स्टेज थी ट्रू अब इस स्टेज पर हम अपने नेचर को बॉडी के नेचर को एक्सप्लोर करते हैं hmm? तो अभी तक भी देह का अभिमान तो ये है ही है मैं ये थॉट हूं मैं ये फीलिंग हूं मैं ये इमोशन हूं मैं ये सेंसेशन हूं ये अभिमान है hmm? तो देह का भान पहले तो ये कि मैं मैटर की बनी हुई हूं और देह अभिमान फिर मैं थॉट्स की फीलिंग्स की इमोशंस की सेंसेशंस की इन सब की भी बनी हुई हूं साथ साथ दोनों आ गए हम्म अब हम एक्सप्लोर करते हैं नेचर ऑफ द बॉडी एंड द सोल दोनों को एक्सप्लोर करते हैं तो जब मैं अपने नेचर को एक्सप्लोर करती तो मुझे पता चलता है मैं संकल्प नहीं हूँ मैं फीलिंग्स नहीं हूँ मैं थॉट्स नहीं मैं जो मन के अंदर आवाज़ है वो भी नहीं हूँ मैं बॉडी में भी नहीं बैठी हुई हूँ क्योंकि बॉडी मेरे अंदर एक अनुभव है सेंसेशन्स के रूप में तो धीरे धीरे वो मैटर का भान टूटने लगता है धीरे धीरे हाँ एकदम से नहीं टूटने वाला है ये भान बॉडी बा, का धीरे धीरे मैटर का भान टूटने लगता है पता चलता है बॉडी तो बनी भी ही मुझसे है बॉडी जैसे मैं लाइट हूं बॉडी भी लाइट ही है और कुछ नहीं है सेंसेशंस के अनुभव से बनी सेंसेशंस किससे बने हुए सेंसिंग से सेंसिंग किससे बनी हुई है जो आत्मा उसको जान रही है पहचान रही है प्रकाशित कर रही है एनिमेट भी कर रही है उससे बनी हुई है एक होता है प्रकाशित करना शाइनिंग लाइट मैं उसमें प्रकाश डाल रही एक होता है एनिमेट करना जान डाल रही मैं उस मैं उसको अपने आप से बना रही हूं है।, है ना मैंने उसको अपनी जियदान दिया मैंने उसको रूप दिया मैंने उसको रंग दिया मैंने उसको सब कुछ दिया है मैं उसको एनिमेट भी कर रही हूं तब उसमें धीरे धीरे पता लगने थे बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है आई एम द बॉडी ऑल्सो एट दट टाइम बट बॉडी इज मेड अप ऑफ मी है ना बॉडी मुझ मेरे प्रकाश से ही बनी हुई है सेंसेशंस को धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस करेंगे ना जितना जितना उसका वो आपको लगेगा ये थॉट्स भी मैं नहीं ये फीलिंग्स भी मैं नहीं हुई सेंसेशंस भी मैं नहीं हूँ तब धीरे धीरे पता चलेगा तो ये बना हुआ किससे है अनुभव से कौन से अनुभव से थिंकिंग से थिंकिंग के अनुभव से कर्मेंद्रियों के अनुभव से सेंसेशन्स सेंसिंग के अनुभव से, तो से बना हुआ तो ये अनुभव किससे बना हुआ है जो कि उसको अवेयर है प्रकाशित कर रहा है और एनिमेट भी कर रहा है ये सब आत्मा से ही बना हुआ है तो एक्चुअल में बॉडी लाइट की है बॉडी मैटर की नहीं है आई एम माई बॉडी ऑल्सो एंड आई एम माई वर्ड्स ऑल्सो एंड आई एम माई थॉट्स ऑल्सो एंड आई एम माई सेंसेशन्स ऑल्सो अगेन हम्म तीनों स्टेप्स क्लियर हुए पर अब मैटर का कुछ भी नहीं बना हुआ है अब सब कुछ लाइट का बना हुआ मेरे शब्द भी मेरे ही गुणों से भरपूर हैं, दूर नहीं है मुझसे मेरे शब्द मुझसे ही चिपके हुए हैं लगे हुए हैं इसलिए बाबा ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली थी और मुझे याद है एक है ना एक ब्यूटीफुल छोटी सी एनेकडोट है शेयर करती हूँ बाबा ने उसी के आधार पर वो बात भी बोली थी कि सोते जागते हुए सो जाओ है ना और एक बहुत महान साधु संत थे बहुत पुराने कॉपर एज के टाइम के तो उनको किसी ने आके बोला कि मेरे जो टीचर है ना वो भी बहुत फेमस टीचर रहे होंगे तो उसने कहा कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा तो उस साधु ने कहा वो आप उनसे जाके पूछो है ना तो उसने कहा मैं उनसे जाके कैसे पूछो वो तो मर चुके हैं तो साधु ने कहा सो एम आए मैं भी मर चुका <laughs> हूं मैं भी मर चुका हूं मतलब मैं बियॉन्ड माई थॉट्स बियॉन्ड माई फीलिंग्स बियॉन्ड कोई कहानी के हूं मैं beyond my body beyond my mind i am i have died completely died मैं जागते हुए सो रहा हूं अब मैटर का मेरे लिए कुछ बना हुआ ही नहीं है अब सब मुझ लाइट से बना हुआ है है ना जैसे ड्रीमर के लिए सब कुछ उसके ड्रीम से उसके dreamy mind माइंड से बना हुआ है ड्रीम से ही बना हुआ है ड्रीमर के ड्रीम से ड्रीमर से ही बना हुआ है पूरा ड्रीम अभी तो क्या होता है ना जनरली मान लीजिए मुझे सपने में आया मैं किसी आंटी के घर गई थी मिलने उठी और मुझे नेक्स्ट डे जाना ही था उस आंटी के घर पर मुझे स्वप्न में एक दिन पहले आया कि मुझे उस आंटी के घर जाना है वहाँ मैं उनके साथ बैठ के बातें की खाना वाना खाया अब नेक्स्ट डे मैंने उठी मैंने कहा ओह हो आज तो आंटी के घर जाना है वो तो सपना था अब मैं वाकई में रियल में आंटी के घर जा रही हूँ और उनके साथ बैठ के खाना वाना भी खा रही एक्चुअल में ना तो वो रियल था और ना ये ड्रीम रियल है उतना ही अनरियल है जितना वो ड्रीम अनरियल था बट ये रियल क्यों फील होता है क्योंकि यहां पे मैटर का बिलीफ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डुअलिटी ऑफ माई एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है हम्म तो इसलिए हमें बार बार ये देखना है अनुभव बना हुआ किससे है किससे बना हुआ है अनुभव आपके अनुभव किससे बने हुए हैं बताओ मुझे आप आप अपने आप को तो अनुभव हो तो आपको संकल्प और कर्म इंद्रियों से परे ही जाना होगा तभी तभी अति इंद्रिय सुख पता चलेगा इंद्रियों से परे का सुख इंद्रियों वाला अनुभव आपको नहीं दे सकता है सुख आत्मा का सुख तो आत्मिक सुख मतलब इंद्रियों से परे का सुख और इंद्रिया मतलब मन बुद्धि संस्कार साइट सीन टच टेस्ट स्मेल इन सब से परे वो है अत सुख बट ड्रीम एंड रियल में मीटिंग तो डिफरेंट लग लगती है ना दीदी हाँ <laughs> क्यों लगती है ड्रीम <laughs> में भी वही तो एक्सपीरियंस था इट्स एग्जैक्टली द सेम ड्रीम में आपको पता था कि आप ड्रीम में हो ड्रीम में पता था आपको जब आप ड्रीम कर रहे थे हाँ? उस वक्त आपको पता था आप ड्रीम में हो और आप उनसे मिल रहे हो और आप उनसे बातें कर रहे हो उनके साथ लंच शेयर कर रहे हो आपको पता था ड्रीम में उस वक्त तो वो बहुत रियल था अभी भी ये ड्रीम बहुत रियल है अभी ड्रीम में होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम ड्रीम में हैं बट अभी मैं जागृत हूं पर मैं सो रही हूं मतलब मैं अपने माइंड कर्मेंद्रियों के और संकल्पों के अनुभवों से परे मतलब अभी मैं संकल्पों के पीछे ही हूँ मैं अपने वर्ड्स के पीछे ही हूँ वर्ड सिर्फ मैं आत्मा हूँ और कोई बीच में एंटिटी नहीं है मैं और मैंने शब्दों का रूप लिया मैं और मैंने सुनने का रूप लिया मैं और मैंने टच करने का रूप लिया मैं और मैंने टेस्ट का रूप लिया और कोई बीच में एंटिटी नहीं है कोई दूसरी एंटिटी नहीं है बीच में हाँ जी क्वेश्चन है कि कभी कभी ये लगता है कि ये एक सेपरेट बॉडी है जिसको हम उठा रहे हैं उठने के बाद वो सारा दिन जो कुछ करती है वो रियल है हाँ क्योंकि अभी तक मैं बॉडी के अंदर और दुनिया में बैठी हूं ना इसलिए दैट्स ओके बट मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट है चलते फिरते भी अब आप ये अटेंशन रखें चलते फिरते भी कि विद इन द स्पेस ऑफ अवेयरनेस ये मूवमेंट जो है एक सेंसेशन है सिर्फ उसकी कोई बाउंड्री नहीं अभी भी जैसे हम आत्माएं बैठ कर सुन रही हैं बोल रही हैं एक्सचेंज कर रही सुनने का बोलने का दोनों अनुभव एक ही जगह हो रहा है कहां हो रहा है सुनने का और बोलने का अनुभव दोनों कहां हो रहा है और सेंसेशंस का भी अनुभव एक ही जगह हो रहा है तीन जगह नहीं एक ही जगह अंदर कहा ओपन okay. स्पेस या mind आत्मा ओपन स्पेस में हो रहा है माइंड में हम्म hmm, माइंड में हो रहा है आत्मा के अंदर हो रहा है तो आत्मा के अंदर हो रहा है हाँ तो ये हमें बहुत क्लियरली चलते फिरते कि मुझे आत्मा के अंदर ये मूवमेंट ऑफ ये सेंसिंग स्पीकिंग और ये एक ही अनुभव है सुनने का भी अनुभव बोलने का भी अनुभव टेस्ट करने का भी अनुभव अलग अलग तो लेबल्स माइंड ने दिए हैं थॉट्स के माध्यम से इसको टेस्ट बोलेंगे इसको टच बोलेंगे इसको स्मेलिंग बोलेंगे इसको फीलिंग बोलेंगे इसको थिंकिंग बोलेंगे ये तो माइंड ने थॉट्स लगाए हैं ऊपर 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 तो प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे सब मुझ डायमेंशनलेस आत्मा के अंदर हो रहा है इट जो भी मुझे इतने सारे इमेजेस देख रही हैं वो मुझे आत्मा के मन के अंदर हैं इमेजेस जो भी मुझ आत्मा को स्पेस टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है ड्रीमर को अपने अंदर फील हो रहा है किस डायरेक्शन में जाओगे रिटर्न जर्नी की मुरली है किस डायरेक्शन में जा रहे हो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट अप डाउन विच डायरेक्शन डायमेंशन लेस होंड नाउ अब एक्सप्लोर करो ये हियर कहां है हियर क्या होता है सारे एक्सपी एक्सपीरियंसेस कहां हो रहे हैं अच्छा यह आंसर करना क्वेश्चन सारे एक्सपीरियंसेस कहां हो रहे हैं नाम दो जगह को आत्म मुझ आत्मा के अंदर मेरे मुझे आत्मा का हटा दो थो थोड़ी देर के लिए सारे अनुभव कहाँ हो रहे हैं यहाँ पर ओके okay? yeah. यहाँ कहा मोमेंट <laughs> ये मोमेंट टाइम में है समय में है कहा है ये यहां बियॉन्ड टाइम अच्छा बियॉन्ड टाइम नो स्पेस नो टाइम इट्स जस्ट राइट हियर राइट नाउ और कहीं नहीं वो जगह नहीं है उसको नाम नहीं दे सकते इट्स जस्ट ऑलवेज हियर जस्ट हियर मींस आत्मा इटर्नल आत्मा इटर्निटी में हो रहे हैं एक्सपैंड नहीं हो रहा है वो पास्ट और फ्यूचर में इटर्निटी में नाउ, सब इटर्निटी में हो रहे हैं मुझे आत्मा के अंदर ड्रीमर हो ना अगर अब मैं ड्रीमर को पूछूं कि आपका ये जॉगिंग का एक्सपीरियंस फिर आप जब अपने कॉलेज गए वो सारे एक्सपीरियंसेस कहाँ हो रहे हैं आपने फिर टेस्टिंग भी किया फिर आपने अपने बच्चे को स्कूल भी छोड़ा ये सारे एक्सपीरियंसेस कहा हो रहे हैं तो ड्रीमर से पूछोगे तो क्या बोलेगा वो ना हो Here. अगर यही दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेगा ना ड्रीमर रिया का तो बोलेगा नहीं वो सुबह हुआ था ये शाम को हुआ था ये यहां इस कमरे में हो रहा है थोड़ा बाहर वहां कमरे में होगा फिर थोड़ा वहां होगा नहीं बट ड्रीमर से पूछोगे तो सब कहाँ हो रहा है कोई लोकेशन नहीं है कोई जगह का नाम ही नहीं है एंड नाउ बॉडी के अंदर नहीं जस्ट नाउ बॉडी भी मेरे अंदर एक्सपीरियंस हो रही है मुझे, मुझे no देह बांध तभी टूटेगा ये मिट्टी बड़ी गहरी है मतलब ये बिलीफ बड़ा गहरा है देह का अभिमान है ना तो इसलिए ये मैं डायमेंशनलेस पॉइंट हूं और मेरे अंदर ये सब कुछ है इसलिए मैंने जो डबल चेहरा बताया बार बार उसको मैं डायमेंशनलेस पॉइंट और मेरे अंदर ये सारा कुछ हो रहा है है ना हाँ जी सिस्टर किरण एंड सिस्टर नेहा फिर ना पन्यूट करो दीदी ओम शांति दीदी अभी यहाँ जो आपने बताया तो इसके पीछे कहने का भाव बाबा के यही है कि देह भान ये दिसरीर वाइब्रेशन की बनी हुई है और इसमें तुमने मैं लगा दिया तो तुम सोल कॉन्शस से बॉडी कॉन्शस में ये सबसे गहरा अभिमान है मैं लगा दिया वाइब्रेशन की बॉडी को मैं समझ लिए तो इसका में? इस, इस तो मैं बाय प्रॉब्लम नहीं है नहीं हाँ, अगर pure, pure है ना मैं प्रॉब्लम प्योर आए हैं तो वो आए आपको आपके सत्य की तरफ भी पॉइंट कर रहा है राइट right? तो मैं बाय इट्स प्रॉब्लम नहीं है पर वो मैं जब मैंने ये कर लिया कि ये ही जैसे हमने कहा ना आई एम द बॉडी बाय इट्स प्रॉब्लम नहीं है बट वो जो पहले वाला आई एम द बॉडी ना वो प्रॉब्लम है बिना समझ वाला बिना किसी एक्सप्लोरेशन के बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के मैं मैं पुराने बिलीफ सिस्टम के आधार पर बोल रही हूँ आई एम द बॉडी तो वो प्रॉब्लम है है ना जी दीदी जी, जी. जी अगर यही आय जो है अगर ये जो आय है आई एम द बॉडी यस आई एम आई एम माई थॉट्स ऑल्सो हर मेरा थॉट मेरी ही पहचान लेता है हर मेरा थॉट मुझ आत्मा की लाइट मतलब मुझ आत्मा की ही सत्यता से बना हुआ है मेरी हर फीलिंग मुझसे बनी हुई मुझसे बना हुआ है मेरे अलावा कुछ है ही नहीं तो वो बहुत ब्यूटिफुल है देन एवरीथिंग इज लाइट 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 हाँ ना, वो बहुत ना? उसमें नो थिंग्स एंड नो बॉडीज होता है फिर फिर उसमें सिर्फ आत्मा जैसे अगर ड्रीमर मान लीजिए खुली आंखे हैं उसकी और उसको दे रहे है। पॉसिबल मैजिकली बोल रहे हैं तो चल, <laughs> ड्रीमर ड्रीमर अः आंख खोल के थोड़ा सा देखता है अपने ड्रीम को तो उसको किससे बनावा दिखता है सारा ड्रीमेश <laughs> इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के नाम रूप थे सभी चीजों के बॉडीज सब के सबके वो क्या थे उसको अगर एक खुली मैजिकल आय से दिख रहा है तो वो क्या देख रहा है उसको मैं ही तो हूँ कुछ है ही नहीं और ऐसे देखना है मुझे भी बाबा के साथ वाह बाबा इट्स जस्ट मी एंड यू और कुछ है ही नहीं <laughs> ये टाइम स्पेस भी मेरे अंदर वाह कुछ बट ऐसे लग रहा है सब कुछ हाँ जी सिस्टर नहीं है थैंक यू दी थैंक यू एक क्वेश्चन आया है कि दीदी मेमोरी में होता है ना ड्रीमर के उठने के बाद या yeah, मेमोरी में होता है दैट्स हम मेमोरी नहीं है अपनी तभी तो हमने बोला था मेडिटेशन में याद हो अगर आपको अभी कि मेमोरी से भी पास्ट याद आएंगे पहली बार में मेडिटेशन में बैठी थी ना तब तो इतना अच्छा अच्छा अनुभव होता था मैं परम धाम जाती थी मुझे इतना लाइट फील होता था अभी तो मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है क्या अनुभव चल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है कौन बैठा है मेडिटेशन में मेमोरी की आत्मा मेमोरी का स्वरूप बनकर कौन बैठा है? है तो आत्मा ही बैठी बट अपने हद में चोला पहनकर बैठी है मेमोरी का चोला पहनकर आत्मा बैठी है है ना ट्रू क्योंकि एवरी टाइम इट्स फ्रेश यू कैन नॉट हैव रिपीटेड एक्सपीरियंसेस हर सेकंड अनुभव नया है अगर थोड़ी सी भी आश लेकर बैठे हैं कि जो कल एक्सपीरियंस हुआ था मेडिटेशन का वो आज अभी हो वो ही राइट right है ये रॉन्ग है मेमोरी का स्वरूप बनकर आत्मा बैठी है दिस शुड हैपन दिस शुड नॉट हैपन मेडिटेशन में ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए जो होना चाहिए वही हो रहा है ये राइट right अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि जो बैकग्राउंड एवर प्रेजेंट पीस का है वो नहीं बदलता है वो मैं मेरा कोई ऑपोजिट नहीं है हम कितनी बार ये एग्जाम्पल देते जब आप पांच साल के थे छह साल के थे आठ साल के थे दस साल के थे पचास साल के थे चालीस साल के थे कितने कितने अनुभव फीलिंग्स थॉट्स, इमोशन सब बदला एक है जो नहीं बदला ऐसे ही पांच हजार साल में एक है जो कभी नहीं बदला जिसको कुछ टच नहीं कर सकता वो कौन वही तो आप हो ना या कोई और है वो हर एक हम जन्म की भी बात अगर करते हैं हर एक पार्ट में भी आपने जो सत्यु का पार्ट प्ले किया था हम नाम ले रहे हैं ऐसे भी लेना पड़ेगा समझाने के लिए ओके okay? हमने पहला जन्म लिया लक्ष्मी नारायण का पार्ट ओके okay? आपने वो जन्म लिया आपने उसमें कई अलग अलग कर्मेंद्रियों का अनुभव किया कई अलग अलग सेंसेशंस का अनुभव किया सब कुछ अनुभव किया फिर आपने उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा तो 83 जन्म लिए 83 पार्ट्स प्ले किए हर एक में कुछ अलग 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 अपने ही बाहर की दुनिया अलग अलग रही थी और मैं वो माइंड बॉडी मैं माइंड थी बॉडी थी और वो बाहर एक मेरी दुनिया थी पूरा सब कुछ अलग 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 अनुभव हुआ एक एक सेकेंड ना मिले दूसरे से कौन था जो नहीं बदला तो अगर किसी और भी पार्ट का आपको नहीं बदल सकते ये पार्ट आपको कैसे बदल देगा बदल देगा आपको हम्म जी अनुभव को मैनिपुलेट हम कैसे करते हैं और कंटेम्पलेट कैसे करते हैं जब हम मैनिपुलेट करते हैं तो है ना एक सटल इच्छा होती है एक एक्सपीरियंस को प्लेजेंट करने की बनाने की कि मेरे को ना याद है कैसे आत्मा फील होता है नो आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बिफोर, तो आई वांट टू सटली कहीं ना कहीं माइंड ने बोला कि अच्छा आई एम नॉट द बॉडी ओके एम नॉट द बॉडी आई एम अ सोल ओके okay, हो गया मेडिटेशन मैं तो आत्मा हूं मुझे समझ आ गया मैं आत्मा आत्मा अरे बट वाई आई नॉट द बॉडी मैं, मैं क्यों नहीं हूं बॉडी देखो सेंसेशन आ रही माइंड के किसी भी जवाब पे रेस्ट नहीं करना जब तक हंड्रेड परसेंट सर्टेटी ना हो जाए कि हाँ मैं ये हूं इसके पीछे मैं और जा ही नहीं सकती हूँ माइंड बोलेगा हाँ आई एम नॉट द बॉडी आई एम अ सोल अरे वॉट डज इट मीन कंटेम्पलेट एक्सपीरियंस हो मैनिपुलेट नहीं करना है माइंड मैनिपुलेशन में तो मास्टर है कंटेम्पलेट योर एक्सपीरियंस डोंट मैनिपुलेट इट हेराफेरी नहीं करनी है कैसे थोड़ा सा खिसक जाऊं इस थॉट से तो थोड़ा सा मेरे अच्छा फील हो जाए <laughs> <laughs> नहीं अगर आया ओके वॉट एवर इट इज ओपन स्पेस हूँ कुछ रेजिस्टेंस मेरा नेचर ही नहीं है जो भी आया मन बोल रहा है मैं सोल हूं मैं आत्मा मैं बॉडी नहीं हूं मैं सोल हूँ अच्छा ये भी जवाब आया मन ने जवाब दिया इट्स ओके okay. उसको भी देखने वाला कौन वो बींग जो वर्डलेस है राइट right? कोई वर्ड्स नहीं है उसमें कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए देखो दो मिनट नहीं बैठोगे कुछ और आएगा आने वाला है इसीलिए साइलेंस आधे घंटे का जो बैठ के कर रहे हैं ना बहुत जरूरी है बहुत कुछ आएगा फिर कुछ बोलेगा ओपन स्पेस ऑफ अवेयरनेस ओपन खाली मैदान खुला मैदान आएगी कोई सेंसेशन जबरदस्त अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी आपको बॉडी में बॉडी बन बन जा बॉडी सॉलिड बन के चेयर में उसको भी देखो मतलब कौन हूं मैं जिसने आज तक कभी नहीं बदली है उसके लिए आज तक और कल तक भी कुछ नहीं है आज कल आज सब नाव है पूरे पांच हजार साल की जो मन बोलता है सेंसेशंस मेरे सामने आ रही हैं कौन हूं मैं जो कभी नहीं बदलती कितने पार्ट्स प्ले किए कितने अलग अलग अनुभव हुए पर मैं अभी के वैसी के वैसी देखते हैं अब आप जाएंगे बाहर अब एंगेज करना होगा सबके साथ यू विल एंगेज सभी के साथ अपने शब्दों के साथ अपने संस्कारों के साथ अपने ही कर्मेंद्रियों के साथ अपने ही सेंसेशंस के साथ समय के साथ स्पेस के साथ सबके साथ एंगेज होंगे आप सीमिंग है ये प्रतीत होने वाले हा अब क्या होता है फुल अटेंशन रिक्वायर्ड है किसी कॉन्वर्सेशन में आपके लिए आपको किसी कॉन्वर्सेशन में आ, आना है अब जैसे हम क्लास में बोल रहे हैं तो फुल अटेंशन रिक्वायर्ड है हा बट आई नो पीछे मैं वो हूं जो आज तक कभी बदली नहीं है उसमें से वो शब्द आ रहे हैं उसमें से वो फीलिंग्स और सेंसेशंस इमर्ज हो रही हैं बाहर नहीं मेरे ही अंदर है ना? और जैसे ही कॉन्वर्सेशन खत्म शब्द मेरे अंदर वापस डिसॉल्व टाइम मेरे अंदर अब मुझे चेयर से उठकर मन बोलेगा जाना है अब मैं आत्मा शब्द में नहीं वो एक शब्दों का एक्सपीरियंस नहीं होगा वर्ड्स का थॉट्स में एक्सपीरियंस हो सकता है और एक मूवमेंट सेंसेशंस का एक्सपीरियंस होगा मेरे ही अंदर मैं कहीं नहीं जाऊंगी बट मेरे अंदर मुझे ये ड्रीम कैरेक्टर का और सेंसेशन का बना हुआ ऐसा प्रतीत होगा कि सॉलिड है कोई फॉर्म है कोई बॉर्डर है पर मुझे पता है कुछ नहीं ये वाइब्रेशन है मेरे ही अंदर और सिर्फ बॉडी नहीं आसपास की भी ये पूरी स्पेस टाइम चीजें ये मेरे ही अंदर ड्रीम मेरे ही ड्रीम में सब जैसे मेरे ही ड्रीम की क्रिएशन है अब किसी चीज में हो सकता है मुझे एकदम से सॉलिड बनकर कुछ करना भी पड़े इट्स ओके सर्जरी कर रही हूँ डॉक्टर हूं करनी पड़ेगी <laughs> तो उस उसमें बॉडी को बॉडी ही देखना पड़ेगा <laughs> उसको मैं वाइब्रेशन देखकर सर्जरी नहीं कर सकती इट्स ओके आई वि Allow my body to take my form. मैं अपनी बॉडी को अलाउ करूंगी मुझ मेरी लाइट की बनी हुई बॉडी है अब मैं उसको जहां यूज करना है सर्जरी करके स्टिचेस भी लगाने वो सब भी करूंगी और जैसे ही फिनिश्ड बॉडी में मैं, मैं बॉडी मेरे अंदर लाइट की वापस मेल्टेड इन मी लाइट की बनी हुई चीज मेल्ट हो जाएगी मैटर की बनी हुई नहीं होगी लाइट की बनी हुई मेल्ट हो जाएगी मेरे अंदर अब किसी से कॉन्वर्सेशन करनी है लॉयर से बात करनी है पूरा अटेंशन चाहिएगा लॉयर से बात करते हुए राइट right? या बैंक मैनेजर से बात करते हुए फुल अटेंशन इज रिक्वायर्ड Again, I allow myself to take the form of a body. I allow myself to take the form of a thought. I allow myself to take a form of an image. I use it and come back to myself as no form, formless. padi to form liya. जरूरत नहीं पड़ी तो फॉर्मलेस इजी सॉरी क्वेश्चन है कि इनसाइड एंड आउटसाइड वर्ल्ड की ड्यूअलिटी को हम जब अनुभव नहीं करते तब कहेंगे अद्वैत राज्य अच्छा एक्चुअल में जब हम अद्वैत समझेंगे ना तो हमें ये जैसे हमने जो अभी पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया ना कि मैं जब मर्जी आया तब मैंने फॉर्म लिया और जब मर्जी आया तब मैंने फॉर्मलेस अपने सत्य को जाना दैट इज अद्वैत राज्य हम्म और जैसे ही मैंने बाबा के साथ हूं ना तो जैसे ही मैंने फॉर्म लिया तो जैसे सब चीजों का फॉर्म्स भी जरूरी है ना कॉन्सेप्ट को यूज किया जैसे ही फॉर्मलेस मैं और बाबा साथ फॉर्म्स आर देयर मेरे आसपास हैं बट मुझे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है Baba and I together. मैं बाबा से अपनी बातें कर रही हूँ मीठी मीठी रू रिहान एंड फिर जैसे ही वापस फॉर्म की जरूरत हुई मैं वापस फॉर्म में आई शब्दों का फॉर्म लिया एंगेज किया शब्दों के साथ थॉट्स के साथ वर्ड्स के साथ एक्शंस के साथ सीमिंग एक्शंस सीमिंग वर्ड्स सीमिंग मूवमेंट मतलब जो प्रतीत हो रहा है जो अपियरेंस में ऐसा रियल फील हो रहा है बट जैसे मैंने ही एक्सपीरियंसेस मेरे पास आ रहे हैं मैं एक्सपीरियंसेस के पास नहीं जा रही हूँ पूरा ड्रीम ड्रीमर के पास आता है ड्रीमर ड्रीम dream के पास नहीं जाता क्वेश्चन है कि uh, ये सोल कॉन्शियस रहती है जब हम नॉर्मल बात करते हैं बट जब ओपिनियन आई मीन देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो वो टाइम पे भूल जाते हैं तो वॉट शुड वी डू दैट टाइम अगर कॉन्शियस हूँ एज अ सोल तब तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना बिकॉज जब मुझे पता है कि मैं खुद आत्मा मेरी ही स्क्रिप्ट के अनुसार मैं फॉर्म लेती हूँ और वापस फॉर्मलेस सत्य को जानती हूँ एवरी बींग

ये नहीं कि इट इज अपियरिंग आउटसाइड एज अ सेपरेट स्टैंडिंग स्टैंड अलोन फॉर्म ऐसे नहीं है इसलिए हमने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था जैसे ये कप है राइट right? हद में देख रहे हैं एक बार वापस ये कप है ये स्पेस के अंदर है राइट right? कप रिलेटिवली स्पीकिंग मैटर का बना हुआ है और स्पेस मैटर की नहीं बनी हुई है सॉलिड और कॉन्क्रीट नहीं है तो जैसे ये कप इस स्पेस के अंदर है ऐसे नहीं है मेरे अंदर मेरी वाइब्रेशंस और ये ये पूरा मेरे अंदर का खेल ऐसे नहीं है मेरे अंदर हम्म ऐसे दिखता है पर है नहीं यही तो इल्यूजन है. है ना अब आपको ये देखो ये शरीर ऐसे बोलते हुए हाथ आगे आगे दिख रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्म दिख रहा है इसको थोड़ा अगर जितना आप अपने देह को सेंसेशंस और फॉर्मलेस अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल में इतना फॉर्म है नहीं इसका यू विल एक्सपीरियंस इट इज जस्ट सेंसेशंस फ्लोटिंग इन माय विजन इन माय सीइंग दीदी इसी पर क्वेश्चन है कैन आई या अभी आपने कहा जैसे ये फॉर्म दिख रहा है एंड मोर आपको जितना ये समझ में आएगा कि आप एक सेंसेशन हो यू आर जस्ट अ वाइब्रेशन यू विल सी द अदर आल्सो एज अ वाइब्रेशन फॉर एग्जांपल मैंने सपना देखा और मैंने सपने में ठीक है किसी की मृत्यु देखी लेट्स से और मैं उठी और मैंने उस व्यक्ति को अपने सामने देखा सेंसेशन में देखा या फॉर्म में देखा और मन को एक रिलीफ हुआ ओह इट वाज अ ड्रीम अब जब इस ड्रीम रियलिटी में ठीक है सच में ये जो फॉर्म अभी मुझे दिखाई दे रहा है जिसको मैं चाहे चाहे मैं एक वाइब्रेशन की तरह देख रही हूँ या मैटर की तरह देख रही हूँ अब वो व्यक्ति वो फॉर्म इज नो मोर ठीक है इट इट इज़ इज़ डाइड एंड ना अब वो मुझे मैटर में दिख रहा है ना वो एल्यूजन में दिख रहा है ना वो वाइब्रेशन में दिख रहा है अब वो एक रियल real रियलिटी लगता है कि वो पर्सन नहीं है मैं उनको सुन नहीं पा रही मैं वो जो एसेंस का एक्सपीरियंस जो इल्यूजन था वो नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं वो इतना कितना भी नॉलेज सुने लेकिन वो बहुत रियल लगता है तो आपने कहा कि उस ड्रीम में और इस ड्रीम में अंतर नहीं प्रैक्टिकली कैसे अभी आपने कहा कि फॉर्म मतलब कहने का भाव ये है कि अभी कैसे हम देखें ठीक है आपका ही जैसे फॉर्म है कैसे इसको देखे कि इसका या मुझे प्रभाव नहीं करे हाँ जी तो आपने जो बोला वो वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट के बारे में बोला ना कि वेकिंग स्टेट में तो वो दिख रहा है जिंदा पर ड्रीम स्टेट में मैंने उसको मरा हुआ देखा है ना पर वेकिंग स्टेट में मैं उसको कैसे देखूं कि ये भी ड्रीम लगे यही क्वेश्चन हाँ, मतलब है। जब रियल जब वेकिंग स्टेट में उसकी मृत्यु होती है तो तो नहीं मैं कह सकती ना कि नहीं वो लाइक यू नो देन वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा ना रिनी का एक्सपीरियंस विल बी फिनिश ना आई कैन नॉट से नो इट्स स्टिल देयर समवेयर मतलब मेरे अभी आपने कहा ना ये सब मेरे अंदर ही हो रहा है तो मेरे हाँ। अंदर से वो एक्सपीरियंस एकदम गायब हो गया बट अब हाँ। अब मैं कितना भी चाहूं मुझे रिनी का एक्सपीरियंस दोबारा हो दोबारा नहीं हो सकता ना mm -hmm. ये रियल है ना आई I मीन mean, ये ठीक है ना दीदी हाँ यही mm -hmm. आपका आई थिंक आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन लेट मी नो तो आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए रिनी खत्म हो जाती है राइट बॉडी वाइज है ना और स्वप्न में तो आया फिर आपने जागृत होके देखा तब तक तो दिख रही थी रीनी ओके okay, ठीक है ये अनुभव खत्म नहीं अभी है हाँ और फिर आपने देखा कि ये में अगर रीनी खत्म हो जाती तो फिर ये स्वप्न कैसे क्योंकि मुझे वापस तो नहीं होगा दोबारा रीनी का एक्सपीरियंस राइट right? यही है ना जी जी राइट right. तो में जब आप उस वक्त भी रीनी को एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी भी हाँ अभी भी वो आपका ही मनगढ़ंत कहानी है अभी भी वो ड्रीम ही है ना आपका है ना अभी तो दीदी फॉर्म्स लग रहा है ना जैसे आपने कहा अभी तो वो दिख रहा है अभी आपने कहा ना हाँ तो वो जो है अभी भी जो पर्सोनिफिकेशन है आत्मा की इस सो कॉल्ड सॉलिड लुकिंग बॉडी का वो आपके माइंड में एज ए स्टोरी है राइट right? और एंड दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू कई बार कई आत्माएं बैठ कर किसी को याद करेगी जैसे आई कैन से माई मदर इन लॉ कैन रिमेंबर हर हस्बैंड बेटर नाउ देन जब वो थे तब <laughs> उनकी एक एक बात उनको याद आती है और याद कर करके वो रोती भी हैं। उनके लिए वो एग्जिस्ट अभी करते हैं नहीं करते पर उनकी उनके माइंड में ही तो थे ना वो पहले भी कहा थे वो पहले भी माइंड जैसे आपने भी कहा एक, एक कर्मेंद्रियों ने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया था वो अब एक्सपीरियंस नहीं है उस सोल के लिए हाँ, ये तो है बॉडी नहीं है बट इन हर केस लाइक आई कैन टेल कि उनके लिए वो भले ही बॉडी वाइज देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं बट वो आत्मा उसको अपने मन की मेमोरीज के साथ ऐसे अनुभव कर सकती जैसे वो उनके साथ है और कई बार मैं और आप हो सकता है शायद साथ में बैठे हो और आप किसी और ही को अनुभव कर रहे हो बिल्कुल राइट right? तो एक्चुअल में बॉडी वाइज हम एक दूसरे को अनुभव कभी भी नहीं करते हैं हमारे अंदर जो छवि बनी हुई ना उसके आधार पर अनुभव होता है एक दूसरे का तो अभी जो मैं देख रही हूं वो मेरी ही मन की एक पिक्चर पिक्चराइजेशन है रीनी नाम Absolutely. का उसको मैं Absolutely. देख रही हूँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्योंकि ये तो सिर्फ सेंसेशंस हैं अगर आप अपनी देह जो है उसको सेंसेशंस के रूप में एक सेकंड के लिए फील करो कि ये सिर्फ सेंसेशंस हैं कोई बॉर्डर नहीं है उसके एक सेकंड के लिए अब देखो मान लीजिए ये बॉर्डर और ये बॉर्डर इसकी भी कोई बॉर्डर्स नहीं जैसे आपकी बॉडी की कोई बॉर्डर्स नहीं है इसकी भी कोई बॉर्डर्स नहीं है इसको भी मेल्ट कर दो अब कहा है रीनी तो दीदी अगर हम रोज किसी को रोज रीनी या एक पर्सनिफिकेशन एक एक्सपीरियंस हो रहा है रोज सेंस ऑर्गन्स या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है और कुछ आफ्टर सम टाइम ये होना बंद हो जाए तो डजंट दैट इफेक्ट अस आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डू यू माइंड रिपीटिंग इट um आई एम सेइंग कि <clears throat> हम दिन रात इफ वी आर लिस्निंग टू यू एंड हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ठीक है हम आपसे बहुत सारी प्राप्तियां कर रहे हैं ठीक है प्राप्तियां हो रही है ठीक है एक एक्सपीरियंस से विच इज जिसका नाम हमने रीनी दिया या एक्स वाइजेड दिया और अब एकदम से वो प्राप्तियां होनी बंद हो जाएंगी प्रोजेक्टिंग योर है of your awakening on me. हाँ क्योंकि ये प्रतीक होता है कि आज हमने इनकी क्लास सुनी और हमें ये पता चला ये प्रतीक हो रहा है पता अंदर से ही आ रहा है बाहर लेकिन एक ट्रिगर यू नो योर एक्सपीरियंस इज बिकमिंग अ ट्रिगर बट इट्स अ माइंड टू माइंड माइंड हैज नो नेम एंड फॉर्म ये थोड़ा गहरा है हाँ माइंड हैज नो नेम एंड फॉर्म राइट इट्स अ माइंड टू माइंड कनेक्शन नॉट बॉडी टू बॉडी में बोलिए रिक्वेस्ट है हाँ जी हिंदी हिंदी में बोलिए रिक्वेस्ट है। अच्छा हाँ। ये माइंड टू माइंड कनेक्शन है ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं इन इट डजंट मीन कि मैं आत्मा ने, ने नेहा पार्ट जो आत्मा प्ले करी मेरा आपकी बॉडी और नेहा से मतलब नहीं मुझे आप आत्मा को आप आत्मा से बहुत प्यार है है ना तो आपका जो भी फॉर्म भी दिख रहा है मुझे इल्यूजरी आंखों से मुझे पता है कि वो है तो आत्मा ही उसमें कुछ बॉडी बॉडी है ही नहीं तो ये, ये तो फुर्ण ये, फुर्ण। ये फुर्ण। आपको सदा याद रहता है हर बॉडी के एक्सपीरियंस को देखते no. हुए मतलब नो no, नॉट सदा बट ये है कि आई नो कि ये एक्सपीरियंसेस जो आते हैं वो मुझे वेल नहीं कर पाते मुझे ढक नहीं पाते है ना कि मान लीजिए ये एक्सपीरियंसेस आ भी रहे हैं दूसरे तीसरे ये ल्यूजन रियल लग रहा है किसी का पार्ट बहुत इंटेंस है तो बहुत रियल लग रहा है उस वक्त उनका इंटेंस पार्ट ऐसा नहीं कि मैं मुझे उस वक्त ऐसा करी बॉडी में सेंसेशंस नहीं आती कि वो बहुत रियल फील हो रहा है होता है बट क्योंकि ये आप बार बार देखते हो कि मुझे आत्मा के अंदर ये सेंसेशंस अपीयर हो रहे हैं तो फिर वो मुझे कवर नहीं कर पाते न सी कि वो जो वेल कर रहा है अनुभव सेंसेशन का ये मेरे अंदर हो रहा है बाहर तो सिर्फ मेरे ही माइंड की प्रोजेक्शन है आत्मा है पर बाकी जो उसका पार्ट और स्टोरी और बॉडी और कहानी वो मेरे माइंड की प्रोजेक्शन आत्मा है बाकी सब प्रोजेक्शन है मेरे माइंड की तो दीदी अभी जैसे आपके डॉटर विल कम एंड शी विल हू ठीक है सो देर इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन Coming. उस वक्त ये ध्यान रहता है कि मेरी और उसकी बॉडी की सेंसेशन में और इवन सेंसेशंस कुछ है ही नहीं सारे प्रोडक्ट थिंग्स सब एक समान मेरी ही सेंसेशन है तो चाहे वो आके हक भी कर बट दे इज अ टू सोल्स इट्स नॉट बॉडी टू बॉडी हग इट इज अ सोल टू सो अब उसमें हक करो नहीं करो इट मीन्स नथिंग उसको फील होता है कि नहीं मैं जाके बार बार हक करूं बिकॉज आई फील नाइस आपको हक करने से आई फील नाइस तो यू अलाउ बट उसमें ये होता है कि आप ये देख रहे हो कि हमारे बीच में बॉडी टू बॉडी सेंसेशनल कनेक्शन नहीं है ऑल दो सेंसेशन मेरी भी मुझसे ही बनी हुई उसकी भी उससे ही बनी हुई तो हमारे बीच में टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं है और क्योंकि मैं जितना ज्यादा उसको फील करूंगी ऐसे कि हमारे बीच में टाइम डिस्टेंस स्पेस नहीं है ऑल hmm. उसको लग रहा है कि मैं मम्मी को हग कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है इट्स बिकॉज दैट सोल इज एक्सपीरियंसिंग बॉर्डरलेसनेस इन दैट हक और वो एक प्रॉब्लम हो जाता है ना दीदी क्योंकि इफ अदर पर्सन इज नॉट देयर एनी मोर तो अब आप, आप उस ट्रुथ का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते क्योंकि पहले आप यू you नो know, किसी आधार से कर रहे थे एंड देन यू स्टार्ट मिसिंग इट इसीलिए इसीलिए हम जितना जितना कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये पूरा सेंसेशन भी मुझसे ही बना हुआ है सब कुछ मुझसे बना हुआ है मतलब कुछ है नहीं बट जो भी है मेरा जो इमेजिनेशन है मुझसे बना हुआ है उतना फिजिकल कॉन्टैक्ट की नीड कम, कम 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 होती जाती है hmm. है ना एंड ऑटोमेटिकली ये सारी भावनाएं किसी को हग करूं किसी को क्या करूं ये धीरे 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 अपने आप ही डिजोल्व होने लग जाती हैं दादियों को हम देखते थे ना दादिया एक दूसरे को कभी कभी हक करती थी पर उसमें वो भाव नहीं था वो बॉडी कॉन्शियस भाव मतलब मेरा सिर्फ यही एक प्रश्न पूछने का था कि हम कैसे जिए अपने आसपास के फैमिली मेंबर्स या लोगों के साथ कि कल को अगर वो एक्सपीरियंस मेरे अंदर से डिजोल्व भी होता है तो मैं मुझे ये सत्य पता है कि कोई आत्मा आती जाती नहीं है वो वही है सिर्फ ये प्रश्न था कि अभी कैसे जी अभी कैसे अनुभव करें कैसे देखें? डायमेंशनलेस हूँ सबसे पहले और मेरे अंदर ये सारा अनुभव चल रहा है और किसी ने क्वेश्चन पूछा डज इट मीन कि आत्मा स्पेस में सब जगह है नो no. देखो पहले हम सोचते हैं कि आत्मा बॉडी में है फिर धीरे-धीरे हमको पता चलता है नहीं आत्मा कोई कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है बॉडी के अंदर बॉडी तो खुद एक सेंसेशंस है आत्मा के अंदर तो हमको लगता है अच्छा फिर आत्मा सब जगह स्पेस में है नो no. मतलब अभी तक मैं कहीं ना कहीं बॉडी की सॉलिडिटी में ही फंसी हुई देयर इज नो स्पेस अराउंड मी जैसे सब कुछ मेरे अंदर तो मेरे अराउंड स्पेस कहां है क्या डायमेंशनलेस आत्मा के अराउंड स्पेस और टाइम है नहीं मैं बॉडी अच्छा, में नहीं हूं तो मतलब मैं सब जगह स्पेस में हूं डायमेंशन no. लेस हम यूज करते हैं कभी कभी स्पेस लाइक क्वालिटी देने के लिए आत्मा को बट इसलिए क्योंकि कुछ तो शब्दों को हमको यूज करना पड़ेगा समझने के लिए आत्मा की क्वालिटीज को तो स्पेस लाइक बींग डीन आत्मा स्पेस में सब जगह है नो देर इज नो स्पेस एंड टाइम इट्स डायमेंशन लेस उसको समझने के लिए शब्दों को खत्म होना पड़ेगा <laughs> hmm? इसलिए हमने बोला हम बोल नहीं सकते यहां जाओ तो पहुंच जाओगे अपने तक क्योंकि आप ऑलरेडी वो हो जहां होना चाहिए यू आर ऑलरेडी दैट विच यू आर एंड वेर यू नीड टू बी यू आर लोकेशन लेस में नहीं हुआ है ना इसलिए हम बोलते हैं जाते रहो जब तक और पीछे जा नहीं सकते कहीं एंड दैट इज बींग डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस बिंदु उसके अंदर ड्रीमर के अंदर वो छः बज गए हैं हम फिनिश करते हैं क्लास ड्रीमर के अंदर um, वो एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं ड्रीम ड्रीमर के अंदर सारा जो एक्सपीरियंस है टाइम स्पेस इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स सारा कुछ है वो ड्रीमर के अंदर है एक अनुभव इट्स इट्स नॉट लाइक अ कप इन स्पेस इट इज़ लाइक एन इमेज ऑन द स्क्रीन है ना वो कप की तरह नहीं है स्पेस में अलग अलग दिख रहा है आपको सॉलिड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो है इमेज स्क्रीन की तरह स्क्रीन के ऊपर इमेजेस हैं पर सब स्क्रीन से बना हुआ है कुछ भी अलग नहीं खड़ा है उस स्क्रीन से बाहर निकल के ऐसे ही ये सारा जो हमें अलग अलग दिख रहा है मुझसे अलग खड़ा है मुझसे अलग कुछ नहीं खड़ा है ये सब मेरे ही अंदर एक इमेज के रूप में है थॉट्स के रूप में है वर्ड्स के रूप में है वाइब्रेशन के रूप में है ठीक है और इसको जितना आप देखेंगे ना एज ए ड्रीमर इसलिए हमने ये ड्रीमर और ड्रीम की एनालॉजी बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ड्रीमर की कोई लोकेशन नहीं है ड्रीमर किसी डायरेक्शन में नहीं है ड्रीमर इज जस्ट प्योर बीइंग हमेशा अपनी जगह पर है जगह स्पेस टाइम से परे है अब उसके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है थाट्स और इमेज के रूप में देन इट बिकम्स वेरी ईजी कि कोई भी एक्शन लिया बैक टू योर सेफ कोई भी एक्शन में आए ईमेल लिखा बैक टू योर सेल्फ बियड टाइम एंड स्पेस किसी से बात की कॉन्वर्सेशन की फॉर्म लिया मैंने वर्ड्स का थाट्स का जरूरत नहीं है बैक टू बाबा एन आए जहाँ मतलब वहीं यहाँ जहाँ कोई टाइम स्पेस नहीं है कोई मेमोरी नहीं कि क्या बात हुई क्या करनी चाहिए थी क्या बात नहीं करनी चाहिए थी ऐसे करनी चाहिए थी वैसे करनी चाहिए थी वो तो आ, आया भी तो वो थॉट्स और इमेजेस बाबा को सरेंडर मैं बिल्कुल नो टाइम नो स्पेस नो मेमोरी फिर थोड़ा सा कोई एक्शन किया बैक टू योर साउ टाइमलेस स्पेसलेस मेमोरीलेस ये प्रैक्टिकल और आप ऐसा नहीं कि जब आपने फॉर्म लेकर बाहर गए तो आप गायब हो गए पीछे से नो no. ये तो विंडोज हैं अलग अलग आप ही के ऊपर सारे एक्शन सारे वर्ड्स सारे थॉट्स आप ही के ऊपर सब विंडोज हैं यू आर एवर प्रेजेंट क्लियर हुआ प्रैक्टिकली कैसे करना है जी दीदी है ना थैंक यू बाबा नो मेमोरी ओके फिनिश्ड ओवर डन नेक्स्ट Thank you, Baba.